नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, आज हमारे बहुत से व्यूवर्स की बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है। सभी लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि सर, हारमोनियम हम लोग बजा रहे हैं लेकिन हमारी फिंगरिंग तेज़ नहीं हो रही है, तो क्या कोई उपाय है जिससे हम अपनी फिंगरिंग तेज़ कर सकते हैं? तो साथियों, उसी टॉपिक के ऊपर ये आज हमने वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बता दूँ, निश्चित रूप से आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपकी फिंगरिंग तेज़ हो जाएगी। ये बात सही है, निरंतर अभ्यास से ही किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को हम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए मैं बिना समय ख़राब किए मैं बता दूं आपको, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक टेम्पो के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैंने अपने मोबाइल में, ये टेम्पो के नाम से ही है, ये ऐसे ही डाउनलोड किया है, आप भी कर लीजिए, आपको मुझे नहीं लगता दिख रहा होगा। तो इसमें आप 100 BPM की टेम्पो से आप शुरुआत करें, क्योंकि 100 BPM का स्लो ही होता है, ज़्यादा फास्ट नहीं होता, तो आप 100 का आराम से बजा पाएंगे। और आप वहाँ तक बजाएं, मैक्सिमम जाने का प्रयास करें, आपका जो टेम्पो का स्पीड है हारमोनियम पर, कंफर्टेबली आप जब प्ले कर पाएंगे आप वहाँ तक करें। और 1 घंटे लगातार अभ्यास करें, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने के अंदर बहुत सारा परिवर्तन अपने अंदर नज़र आएगा। तो चलिए, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं पहले 100 की स्पीड लूँगा, उसके बाद 200, 300, 400, 100-100 गैप लेके मैं चार सेशन इसमें बताऊँगा कि 400 मेरा मैक्सिमम स्पीड है। आपका स्पीड हो सकता है कि आपका मेरे से फास्ट ज़्यादा हो और कम भी हो, मेरे 400 के ऊपर जाने से मेरे भी उंगलियाँ लड़खड़ाने लगती हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। 4 मात्राओं का ये है, 4 मात्राओं में हम 4 स्वर एक साथ बजाएंगे और इनको दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? टक, ये जो टक की आवाज़ आती है यहाँ से आप शुरुआत करें, जैसे 3 4 चार, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है? वीडियो के बीच में एक बात और बता दूं, जब भी आप फिंगरिंग करें, आप एक एक चाबी को क्लियर दबाएं, एक एक स्वर को क्लियर दबाएं, आप ऐसे रख रख के ना चलें, आप कभी भी उंगली पर वेट ना लें, हाथ को सीधा अपने कंधों के इशारों पर वेट, कंधों पर वेट लें अपने हैंड का, और हल्का सा ऊंचा रखें और एक एक उंगली को अलग अलग दबाएं क्लियरली। ये क्या है, आपको इसमें दिक्कत ज़रूर होगी, आपको शुरू में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन क्या है, फ़ायदा इसी से मिलेगा। जैसे हम टाइपराइटर पर, प्रिंटर पर जब हम प्रिंटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी क्लियर एक एक शब्द को अलग अलग दबाएँ, और आप अपने टेम्पो की गति बढ़ाते रहें। जो मैक्सिमम गति है, मैं तो ये कहूँगा कि जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम BPM से आप बजा पा रहे हारमोनियम, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। तो चलिए, प्रैक्टिकल के तौर पर मैं अब 200 का टेम्पो लेता हूँ, अब मैं 200 का टेम्पो लेता हूँ और मैं बताऊँगा आपको, देखो 400 तक जाने पर कैसा आपको महसूस होगा। निरंतर अभ्यास करें, तो ये 200 का हो गया। चलिए अब 300 पर अभ्यास करते हैं, आपको पता लगेगा, मैं आपको टेम्पो दिखा देता हूँ वीडियो में, रुकिए, आपको दिख नहीं रहा होगा,
300 की टेम्पो काफ़ी होती है, 400 फिर बहुत हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, देखो अभी आपको दिख रहा होगा, ये 300 का टेम्पो ले रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गया 300 का, अभी हम चलते हैं 350 की ओर, ठीक है। ओह, तो ये हो गया साथियों 350, ठीक है। ये हो गया 350। अभी मैं अपने मैक्सिमम स्पीड पर जाता हूँ 400, जहाँ से मेरी उंगलियाँ लड़खड़ाना शुरू होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप भी जो आपका मैक्सिमम टेम्पो है वहाँ पे जाइए, उसे थोड़ा सा कम रखिए और फिर लगातार वहाँ पर कम से कम 1 घंटे या आधा घंटे अभ्यास करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। देखिए 400 का टेम्पो काफ़ी होता है मेरे लिए, बहुत से लोगों के लिए नहीं होता होगा, या हो सकता है आपके लिए 200 भी ज़्यादा हो। तो चलिए अब 400 पर प्रैक्टिस करते हैं। तो साथियों 400 के टेम्पो पर निश्चित रूप से, जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी फास्ट है और इस पर मेरी भी उंगलियां लड़खड़ाना शुरू हो गई। तो आप इससे थोड़ा सा कम, 400 गए तो आप थोड़ा सा 350 रखिए या 375 रखिए, उस टेम्पो पर आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, वहाँ करिए। फिर धीरे धीरे आप पढ़ाइए, फिर 400 करिए, आपको अगले दिन 400 पर भी आप पकड़ेंगे, फिर उससे अगले दिन 410 करिए, 20 करिए, ऐसे आप 400-500 जितना हो सकता है आप मैक्सिमम जाइए। जब आप लाइव किसी प्रोग्राम में ढोलक के साथ या तबले के साथ रहेंगे संगत में, तो निश्चित रूप से आपको, एक तो आप हमेशा ताल में रहोगे और आपको बहुत ज़बरदस्त फिंगरिंग का मतलब महसूस, अनुभव आपको महसूस होगा, आप अच्छे से फिंगरिंग कर पाएंगे। ये सबसे अच्छा मूल मंत्र है साथियों, आप मोबाइल फ़ोन की मदद से आप टेम्पो पर लगातार हारमोनियम का फिंगरिंग का प्रैक्टिस करें, इसके अलावा कोई और दूसरा फार्मूला नहीं है। अगर आप हारमोनियम पर तेज़ फिंगरिंग करना चाहते हैं, अपनी उंगलियों को नचाना चाहते हैं, तो आप टेम्पो पर लगातार अभ्यास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पो पर जितना आप कर सकते हैं उससे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।